भैया यार अब मुझे डर लग रही हूँ, गिर गुर ना गए हो यार। मैं आगे आ गया, मैंने उनसे बोला साथ चलते, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम अपनी स्पीड में चलो मेरे साथ साथ, नहीं तो तुम भी थकोगे और जहाँ पर तुम्हें लगेगा कि चल नहीं पा रहे हो वहाँ पर रुकना। लेकिन मैं चल ले रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिख रहे दूर दूर तक यार, वो फिसल ना गए हो। तो अब हमारा ट्रैक शुरू हो गया है और ये रास्ता है, और हमारे साथ सुबह सुबह धोखा हो गया। हमने कल बात करी थी एक घोड़े के लिए जो हमारा सामान ले जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा भारी सामान है। उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। 8 बज के घोड़े वाला अभी तक नहीं आया। अब घोड़े वाले के भरोसे तो रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए अब हमने अपना सामान खुद ही बांधा है और बस चल रहे हैं अब। लेकिन ये जो पीछे से आ रहे भाई, देखो सबसे ज़्यादा भारी सामान इनके पास है, कम से कम 30-35 किलो का सामान है। इतना बोझ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, मर भी सकते हो भाई, बहुत सामान है। तो मैं पहुंच चुका हूँ वाड़ गांव के लास्ट घर पे, ये लास्ट घर है यहाँ का। यहाँ से मतलब ये गांव इनका ख़त्म, समाप्त, सीमा समाप्त, ये लास्ट गांव है। और सच बताऊँ बहुत इजी तरीके से मैं आ गया यहाँ पे तक, ऐसा नहीं लगा कि बहुत थकाई लग रही है। अब ये रास्ता है यहाँ को, तो नीलगंगा पहुँच गया हूँ मैं। नीलगंगा आप कह सकते हो कि दो पहाड़ों के बीच का एक ऐसा हिस्सा जो हम तुम्हें दूसरे पहाड़ में ले जाएगा। अभी तक डाउन था, पहले सीधा फिर डाउन, अब सारी ऊंचाई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ अपने दोस्तों का। यह है नीलगंगा, तो देखो तो जैसे ही आप नीलगंगा क्रॉस करोगे तो सीधे खड़ी चढ़ाई आ जाएगी, ऐसे बिल्कुल खड़ी। अभी देखते हैं कितनी खड़ी है। सुधांशु भाई बोल रहे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ से 9 किलोमीटर है, क्या बोला, कुछ पाताल बोला इन्होंने, मैदान जैसा, वहाँ जाना है। वो 9 किलोमीटर है, 9 × 3 = 13। वहाँ से भी रास्ता बहुत अच्छा है, 9 किलोमीटर अब खड़ी ऊंचाई, देखते क्या होता है हमारा हाल। वैसे देखा जाए तो हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है पहले मील लेने का, लेकिन पीछे से अभी दीपांशु भाई आ रहे हैं। सारा सामान मतलब 3 जने वो उनके पास है खाने पीने का, मेरे पास मेरा बैग और गैजेट बैग है। बस मैंने बोला था ग्लूकोज का डब्बा मैं हमेशा अपने पास है, तो खाजा मिल रहा, मैं अभी ये पी रहा हूँ। मुझे नहीं पता अभी कितना है ऊपर, लेकिन सही है, ट्रैक अच्छा है, ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे। ठीक है, अभी यहाँ से तुम्हारा होगा 2 किलोमीटर तो आगे आऊँगा मैं, 8 किलोमीटर और होगा ना, 7 किलोमीटर और होगा, आराम से हो जाएगा। फर्स्ट बेस कैम्प शायद ये बेस कैम्प होगा, पहला बेस कैम्प होगा, मुझे आइडिया नहीं आ रहा अभी। यहाँ पर कोई नहीं है, छोटा सा मंदिर है सामने, एक पिक दिख रही है बादलों के पास पे, और यहाँ पर देखो एक छोटा सा बनाए रहने का। मुझे लगा कोरोना के बाद शायद लोग कम आ रहे होंगे, इस वजह यहाँ कोई नहीं है। ये शायद पहला बेस कैम्प है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो ये देखो क्या सीन है, वाह
क्या लग रही ना यहाँ से घाटी, लेकिन यार मेरे कंधे दर्द करने लग गए। करेंगे यार, इतना सामान लेके आए नीचे से। आपका बच्चा है ये? फिर बड़ा क्यूट लग रहा है। अच्छा, इसको लेके गए होगे अपने साथ आप ना? तुम देख रहे हो अभी अभी कैसा हो गया है। अपने बंदे अभी तक नहीं पहुंचे, अब तो दिखेंगे भी नहीं वो। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऊपर तो जाओ या यहीं पर इनका वेट करो। अगर बारिश आ गई तो मेरे पास यहाँ पर जगह भी नहीं थी, मैं टेंट लगा के उसके अंदर अपना सामान रख लूँ। भाई व्लॉगिंग कैसे करूं मैं, हाथ थक गए मेरे। तो ऊपर मिलते हैं यार, ऊपर का मौसम नजारा देखो कुछ ऐसा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बेदनी बुग्याल पहुंच गया हूं, क्योंकि अभी मुझे यहां पे बहुत सारे कैंप दिखे, कैंप साइट दिखी जो अभी धूप से नहीं दिख रही है। यहां पे मुझे पानी मिल गया, मैं पहले पानी भर लेता हूं अपने लिए। पानी बहुत ज़रूरी है बाबू। भाई यहां के चाय नहीं पीना तो भाई बेकार है ज़िंदगी। यहाँ के चाय नहीं पी दो तो चाय बनवाई मैंने। तो खाना बन गया है, ये देखो क्या बना रखे हैं उन्होंने, न्यूट्रल बड़ी, आलू की सब्जी और चावल। व्यू देखो यार तुम। चलो भैया यहाँ से ट्रैक फिर से शुरू करते हैं। और देखा अपने वॉरियर रेडी हो चुके हैं। आ भाई देखो यार सामने का, ये है त्रिशूल पर्वत और ये बाकी रेंज है। क्या जबरदस्त व्यू है, अल्टीमेट है पूरा, मजा आ गया देख के। वाह, फिर से घोरा आ रहा है। तो ये सुबह की हमारी पहली मील है मैगी। हमें पर इतना टाइम है नहीं कि कुछ और बनाए, क्योंकि हो क्या रहा है ना यहाँ पर जो फ्लेम है वो उससे खाना पक ही नहीं रहा है, इतना टाइम लग जा रहा है। और ये अपने साथ वाले देखो पानी लेके आ रहा है। सामने त्रिशूल है, फॉग लगाए, फॉग लगते रहेगा, हमें जल्दी निकल लो रूपकुंड के लिए। हम रूपकुंड मतलब आज हमारा तीसरा दिन है और नाचनी पातनी इसका नाम है। यहाँ से हम रूपकुंड जाएंगे आज। 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 3 किलोमीटर हमें बर्फ मिल जाएगी। तो ये जो जगह है ये है नाचनी पातनी और यहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा। है चैनल का भी तो ऐसी कुछ नहीं है। तो
तो जैसे ही मेरे दोस्त मुझे नीचे से आते हुए दिखते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे इसलिए बढ़ता हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से उनका वेट कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था। कहने का मतलब ये है कि पसीने से जो पसीना था और हवा चली थी मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, इसलिए मैं हल्की हल्की स्पीड में आगे बढ़ता हूँ। ट्रैकिंग का रूल है, अगर आप ज़्यादा वेट करोगे तो आपकी बॉडी जल्दी ठंडी होगी और फिर चलोगे तो जल्दी गर्म, जिस वजह से आपको बुखार भी आ सकता है। इसलिए मैं हल्के हल्के आगे बढ़ता हूँ और पहुँचता हूँ ऐसी जगह जहाँ मुझे एक नई टीम मिलती है। पर मुझे भी कुछ भाई लोग मिले जो थोड़ा डर रहे हैं रुकन जाने में, पता नहीं क्यों। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। एक टॉप आता है वहां से भी रुकन दिख जाता है, वैसे भी रुकन जमा हुआ है लेकिन फिर भी पड़े। तो एक भाई हिम्मत करके आ रहे हैं मेरे साथ, वो नहीं आ रहे ना, चलो हम चलते हैं। गाइस अब जो ट्रैक हो चुका है वो हो चुका हार्ड, हमको ऐसे पैचेस मिलने लगे हैं जहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है, लग रहा है ना भाई। अब देखो बिल्कुल संभल संभल। हाँ लोग बोलते थे रुकुंड हार्ड ट्रैक है, वो है क्योंकि तब जब यहाँ स्नो हो, और हम स्नो में ही चल रहे हैं अभी। इसका मतलब ये ट्रैक मार्च और अप्रैल में करने लायक नहीं है, जून में ही हो सकता है। ये देखो ऐसे पैचेस बहुत टफ होते हैं, मैंने एक गलती करी, बस मैं स्टिक लाना भूल गया। हमारा भाई यहाँ पर ब्लॉगिंग करते करते चल रहा है, बर्फ अच्छी है। हाँ हाँ देखो अब मेरा हौसला थोड़ा बढ़ गया है कि बर्फ अच्छी है, बर्फ अच्छी है, आ जाओ, बढ़िया बर्फ है। लोग रुकुन करते हैं तब जब इसका पीक टाइम नहीं होता, कहने का मतलब होता है ऊपर पानी नहीं होता, बिल्कुल सब सूख चुका होता है, बर्फ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि त्रिशूल पर्वत पे भी बर्फ नहीं होती है, तब लोग यहाँ पे तब इसको करते हैं, लेकिन जो इसका मेन टाइम है वो अभी है। मार्च में पॉसिबल है ही नहीं, अप्रैल में पॉसिबल नहीं, जून मुझे लग रहा है कि हाँ अच्छा है, जिसके बाद पूरे इक्विपमेंट नहीं है वो भी कर सकता है। अभी तो ऊपर जाके पता चलेगा भाई क्या सीन है। नीचे से देखो बादल आ रहे, बादल इम्पोर्टेंट है बाबू, लेकिन इतने भी नहीं कि हमारा व्यू जी छोप दे। अब ये ट्रैक बहुत टफ हो चुका है, बहुत टफ। सामने पे रुकुन, मेरे साथ जो एक भैया आ रहे थे वो भी मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं गए, मैं फिर से अकेला हो गया हूँ यार। ये देख रहे हो रास्ता, मैंने सबसे बड़ी गलती करी यार, मैं इक्विपमेंट नहीं लाया। अब मैं काम करूँगा, इस बोतल के सहारे जाऊँगा, देखना कैसे। ओ भाई साहब देखो कहाँ जाऊंगा अगर मैं गिरा था। दोस्तों अब तो हद ही पार हो गई यार, हम 7 से 8 लोग चढ़े थे, 5 तो नीचे रह गए, 3 का पता नहीं, एक मेरे जस्ट पीछे था वो भी मुझे नहीं दिख रहा है। भैया यार मुझे डर लग रही हूँ, गिर गुर ना गए हो यार, मैं आगे आ गया। मैंने उनसे बोला साथ चलते, लेकिन उन्होंने बोला तुम अपनी स्पीड में चलो मेरे साथ साथ, नहीं तो तुम भी थकोगे और जहाँ पर तुम्हें लगेगा चल नहीं पा रहे वहाँ पर रुकना। लेकिन मैं चल ले रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिख रहे दूर दूर तक यार, वो फिसल ना गए हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैचेस ऐसे हैं पाँव फिसला तो तुम ग्लेशियर के अंदर जा सकते हो। और मुझे जल्दी क्यों हो रही है, ये देखो फॉग, अगर ये फॉग हमसे पहले ऊपर पहुंच गया ना कोई फायदा नहीं ऊपर जाने का।
बहुत ही पीछे यार। ये देखो अब कैसा रास्ता आ गया है, बिल्कुल हार्ड वाला। पता नहीं क्यों मैं अकेले चल रहा हूँ, नीचे को आते समय पता नहीं क्या होगा। ऑक्सीजन का बोरी बहुत ज्यादा। अभी यहाँ से सीन ये है कि लास्ट बंदा जो पीछे से आ रहा था मेरे, उसने भी हार मान ली है। उसने मुझे आवाज लगाई दो तीन, मैंने बोला पर्क आओ, और वो वापस चले गया। उसने ये भी नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ, शायद क्या बात है, चिल्ला के बोल रहा हूँ मत जाओ। अब देखो ये सबसे डिफिकल्ट इसका रूट आ चुका है, मैं कोशिश करूँगा फिर भी यार, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एक मन तो कर रहा है पीछे का बैग नीचे यहीं रख जाऊँ, फिर नहीं यार, उसमें मेरा DSLR वगैरह है, ले जाएगा तो कोई नहीं, लेकिन अगर मैं ऊपर पहुँच गया तो फोटो भी तो ज़रूरी है। मैं रुपकुंड के टॉप पे तो पहुंच गया हूँ, बस 100 मीटर और रह गया और रास्ता पूरा खराब है। दोस्तों अब कहानी का ट्रैक का वो हिस्सा आ चुका था जो सबसे टफ था। यहाँ पे बिल्कुल रास्ता सीधा खड़ा था और ऊपर बर्फ थी। मैंने रुक के सांस लेके पीछे को अपने दोस्तों को देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं ऊपर चढ़ूँ और करके आ जाऊँ, या फिर मैं अपने दोस्तों का वेट करूँ। तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों का वेट करता हूँ, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था और मुझे ठंडा लगने लग गया था, जिस वजह से मैं ज़्यादा डर रहा था और ज़्यादा हाफ रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे साथ वाले आएंगे या नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये मेरी एक और गलती होती है, जैसे मैं थोड़ी आगे जाता हूँ, मैं अपना GoPro वगैरह सब बैग में रख लेता हूँ, मेरे दोनों पाँव बर्फ के इतने अंदर चले जाते हैं कि मेरा आधा शरीर ऊपर होता है, दोनों टांग नीचे, मतलब दोनों पाँव बर्फ के नीचे होते हैं। मैं थोड़ी देर तक वैसे ही फंसा रहता हूँ, और फिर मैं पूरी कोशिश करता हूँ बाहर निकलने की, और मैं रेंग रेंग के चारों हाथ पांव चला के ऊपर पहुँचता हूँ, लेकिन पहुँच जाता हूँ। गाइस मैं बता नहीं सकता मैं कैसे आया हूँ, लेट लेट के चढ़ चढ़ के मेरे ये जो हाथ पर सुन्न हो गया। अब सबसे बड़ा टास्क है मेरा, मुझे नीचे जाना है, लेकिन मैं यार पे बहुत मेहनत लगी थी, मैं ज़्यादा ही चाहिए रिस्क हो रहा है। आप देख सकते हो मेरी घाटी है, तो जाते समय दिखाऊंगा। मेरी कोई फोटो खींचने वाला भी नहीं है यहाँ तो दोस्तों मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने सोलो ये ट्रैक किया अकेले, लेकिन दुख इस बात का था कि मैंने बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं किया, थोड़ा ओवर स्मार्ट मैं बना और थोड़ा जल्दी जल्दी चला। कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत सी ऐसी गलतियां करी थी कि मेरी जान भी जा सकती थी, जो आप बिल्कुल मत करना। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, अपने दोस्तों का वेट करूँ या नहीं करूँ, लेकिन जब मैं नीचे जाता हूँ तो मेरे दो दोस्त बहुत अच्छा टीम वर्क करके, रोप वोप बांध के, प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ इसको ईजिली करके आते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि उन्होंने भी ये करा, लेकिन जो इससे पहले की टीम आई थी जिसमें 5 से 6 लोग थे शायद, वो लोग इसको नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि आज के दिन जो ये दिन था, इसमें मैं पहला बंदा था जो अकेले यहाँ चढ़ा था, फिर मेरी टीम वाले, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता है। तो ये ब्लॉग इतना ही था, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी टीम का साथ कभी मत छोड़ो अगर आप ऐसे ट्रैक कर रहे हो तो, और मेरी तरह कभी ओवर स्मार्ट मत बनो। तो नीचे की उतरने की भी अपनी एक अलग कहानी है, जो कभी और दिन मैं आपको दिखाऊंगा। बाय बाय। ये बोली।